पहले जितने लोग चुनावी जनसभा में उपस्थित हैं, जो हमारे पंडाल के नीचे बैठे हैं, थोड़ी बहुत दोपहरी बच रही है, धूप बच रही है, लेकिन जहां धूप में बड़ी संख्या में खड़े हैं, जहां छाया दिखाई दे रही है, पेड़ों के नीचे भी बड़ी संख्या में लोग हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है, जहां इतनी गर्मी है और दोपहर का समय है, उस समय भी आप अगर सुन रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में पसीना बहा करके खड़े हैं, तो मैं आपका आभारी हूं। और मुझे भरोसा हो गया है कि जिस समय मतदान पड़ेगा, हमारे दोनों गठबंधन के सांसद जीत करके ऐतिहासिक वोटों से जाएंगे। हरदोई और मिश्रिक, हरदोई मिश्रिक दो लोकसभा हैं और साथ में ही कन्नौज का चुनाव भी है, जहां हम आपसे मदद मांग रहे हैं इन लोगों की, दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए। वहीं हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि हमारी भी कन्नौज में मदद करना, जिससे कन्नौज भी अच्छे वोटों से जीत जाएं। वैसे हरदोई बहुत चर्चा में रहता है। हरदोई जिला न जाने कितनी चर्चा में रहता है। ये हरदोई जिला हम अखबार पढ़े, टीवी और कभी कभी दूसरी जगह से भी बड़ी चर्चा में रहता है। जाने कौन से नशे में कोई रहता है कि चर्चा में हमेशा हरदोई रहता है। क्यों भाई, ये क्या चीज है जिसकी वजह से न जाने क्या निकल जाता है, क्या चीज है ये? एक कोई ऐसी चीज है क्या जिससे न जाने क्या निकल जाता होगा? एक बार याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने अपने कंप्यूटर से पढ़ करके कहा था कि ये गठबंधन नहीं है, ये शराब वाला गठबंधन है। बताओ, हम लोगों से कहा कि नहीं कहा? एक ही बार कह पाए, दोबारा नहीं कह पाए वो चीज, दोबारा नहीं सुनने को मिला होगा। हमारे साथी कहते हैं, चुनाव तो आप जीत गए, लेकिन किसी को आने मत देना आप दोबारा। और ये बताओ हमें, ये हम अपने साथियों से जानना चाहते हैं। ए मंच वाले नेता, थोड़ा शांत रहो, सब पहचान गए कौन कौन कहां है। ये आप सब जानते होंगे, जिसका चक्र पूरा हो जाए उसको गणित में क्या कहते हैं ये बताओ पहले। जो घूम करके घूम जाए उसको क्या कहते हैं बताओ, जीरो हो गए कि नहीं हो गए? सब दल घूम लिए, हो गए जीरो, और सब जगह खुल गई पोल, जीरो हो गए कि नहीं हो गए? और अगर मन है उन्हें माइनस में जाने का, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हो? अभी हरदोई की जनता माइनस में आपको पहुंचा देगी। इसलिए हमें और आपको ध्यान नहीं हटाना है किसी मामले को लेकर के। ये सवाल है इस बात का, चुनाव इस बात का है कि हमारा देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि आज
भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में भरोसा खत्म कर दिया है। जहां भरोसा खत्म कर दिया, हम एक दूसरे के बीच में बांटने का काम किया भाजपा ने। कभी हमें जात के नाम पे लड़ा दिया, कभी धर्म के नाम पे लड़ा दिया, कभी दूरियां बना दी और न जाने कैसे कैसे खेल खेले हैं। जो अंग्रेज करते थे, जो अंग्रेजों ने किया है, हम बटने वाले नहीं हैं, हम एक होकर के इनका मुकाबला करने का काम करेंगे। इसलिए ये महागठबंधन आप लोगों का है, गरीब का, गांव में रहने वाले लोगों का, जिन्हें सम्मान नहीं मिल पाया इतने वर्षों से, उनका है ये गठबंधन। जो हमारे खेत में काम कर रहे हैं, मेहनत करने वाले लोग, पसीना बहाने वाले लोग, धरती पे जो सबसे खराब काम होता है वो हम और आप करते हैं, उन लोगों का गठबंधन है। और ये गठबंधन जो है ये महामिलावट नहीं है, देश में महापरिवर्तन लाने का काम ये गठबंधन कर रहा है। बताओ, हमारे दो तीन दल को मिल जाने से कह रहे हैं महामिलावट है। सोचो, अगर दो दल एक हो जाएं, तीन दल एक हो जाएं, तो महामिलावट कहते हैं। और 38 दल मिलकर के अगर देश में राज कर रहे हो तो बताओ कौन सी मिलावट कहेंगे उन्हें। उसके के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हमारा महागठबंधन है, वो महामिलावट का कह रहे हैं। लेकिन पत्रकार साथी सोचिए, 38 दलों वाले मिलकर के क्या बना रहे होंगे। हम नहीं कहेंगे ये नौजवान जो कह रहा था, ये 38 दल वाले लोग और कहते हैं कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। हम उन लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी है देश को, गठबंधन ने मजबूत और बहुत शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं। हमें प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, हमें देश को प्रधानमंत्री चाहिए। और प्रधानमंत्री न जाने क्या क्या सिखाते हैं हमें और आपको। बताओ, कभी चाय वाला बनकर के आए थे हमारे आपके बीच में, आए थे चाय वाला के नहीं। कभी कभी हमने आपने किस्से सुने होंगे कि कुछ मिला दिया, खिला दिया, नशे में हुए उठा ले गए। पिछली बार चाय के नशे में न जाने कितना बोट उठा लिया है। लेकिन बताओ, 5 साल में चाय का स्वाद पता लग गया कि नहीं लग गया। चाय अच्छी थी कि खराब थी। और हमारे सांसद जी बैठे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि चाय कैसी थी। ये तो बेचारे अजनबी बन के चले गए वहां पर, इन्हें सच्चाई पता होगी। वो आपके हमारे नहीं है, वो केवल 1% के प्रधानमंत्री हैं, आबादी के जो एक। तो हरदोई में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते दिल्ली से।